करना जरूरी है देखने के लिए कि इनके हार्मोन्स ऑर्डर में हैं कि नहीं है। सही है। तो आपने कौन सा जो ब्लड टेस्ट आपने हमारी कॉलर को कहा है वो क्या ब्लड टेस्ट, वो जाके अगर लेबोरेटरी जाती हैं तो क्या कहें? वो हार्मोन्स के हैं वो डॉक्टर ही बता सकते हैं। फॉर इंस्टेंस सीरम टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, प्रोलैक्टिन है, ये ऐसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, ये डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो डॉक्टर ही बता सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में आया वो ये कि आपने कहा कि द आंसर टू यू नो दीज हेयर इज दैट यू गो फॉर लेजर, ठीक है, गैर जरूरी बालों के लिए आप लेजर के लिए जाएं जो कि एक परमानेंट हल है, आपको 8-10 सेशंस करने पड़ते हैं, और उसका जो आपने कॉज बताया है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, राइट। अब अगर किसी को पता चलता है कि जी ये प्रॉब्लम हो रही है हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से, तो उन हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए कोई चीज हो, बिकॉज़ आई थिंक वो जड़ को उस कॉज को, वो बिल्कुल वो अब हम ये करते हैं कि जब ब्लड टेस्ट आ जाता है उसमें हमें पता चल जाता है कि कौन सा हार्मोन है जो कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ, राइट। अकॉर्डिंगली हम अलॉन्ग विद द गायनेकोलॉजिस्ट उसकी एज ग्रुप के मुताबिक हम उनको मेडिसिन देते हैं, और मेडिसिन देने का ये नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन दें, साथ साथ हम लेजर भी करते हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन में काम करती हैं, इकट्ठे चलती हैं जी, बिल्कुल, ताकि आपके हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो भी करेक्ट हो जाए और जो बाल ऑलरेडी आ गए हैं उनकी भी रिडक्शन आती जाए। अच्छा ठीक है। अगर हम वो हार्मोन टेस्ट नहीं कराएंगे, हम सिर्फ लेजर सेशंस कराते जाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा तो रिलीफ मिलता जाएगा लेकिन नई ग्रोथ आती जाएगी। अच्छा अब मुझे बताइए कि लेजर का ट्रीटमेंट आपने बता दिया कि वो फाइनल उसका सलूशन है, जी जी, वो लोग जो नहीं अफोर्ड कर पाते, क्योंकि जाहरी बात है जो अमीर लोग होते हैं वो तो जाहिर आ जाएंगे आपके पास और कर भी लेंगे, मगर वो लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारा कंसर्न उनसे रिलेटेड है, तो उनके लिए क्या हल हो सकता है? जी अरूज, आई टोटली अंडरस्टैंड। मेरे पास कई ऐसी हैं बच्चियां जो आती हैं जो वाकई अफोर्ड नहीं कर सकती, तो हमने लो पैकेजेस इन पेशेंट्स के लिए रखे हुए, अच्छा, ताकि हम उनको अकोमोडेट किसी ना किसी तरीके से कर सकें। दैट्स अ वेरी वेरी गुड। मगर हम ये ज़रूर चाहते हैं, मैं ज़रूर ये शेयर करना चाहूँगी कि प्लीज़ वो लोग जो सिर्फ वाकई अफोर्डिंग नहीं है वो फॉरवर्ड आए हमारे पास और हमें सही पिक्चर दें, क्योंकि वरना हक मारा जाते हैं, हम हर एक को तो नहीं अकोमोडेट कर सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। मगर कई अच्छी फैमिलीज के भी जब इस तरह की पिक्चर करते हैं तब अफसोस होता है, राइट राइट राइट। तो वी हैव टू, ये अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब के ऊपर कि जो वाकई नॉन अफोर्डिंग हैं हम उनको हेल्प कर सकें और उनको हम लो पैकेजेस पे डाल देते हैं, बिल्कुल सही, ताकि उनका ये, क्योंकि एक सोशली अनएक्सेप्टेबल एक मसला तो है। वो जो हमारी सहेलियां देख रही हैं और ये समझती हैं कि ये दो खवातीन बैठ के क्या बातें कर रही हैं लेजर की, ये तो बड़ा मुश्किल है और हम नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए ये है कि डॉक्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी सोच की मालिक हैं और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम काफ़ी पैसे रिड्यूस भी कर सकते हैं, और आप इनका नंबर भी आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो आप वो देख सकते हैं, इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और जितना हम मिलके आपकी मदद कर सकेंगे इस सिलसिले में वो भी होगी, मगर वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको बिल्कुल नहीं डॉज नहीं देना उन्होंने। जी हमारे साथ एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम? मैं गजल बात कर रही हूँ लाहौर से। जी गजल, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिए और अपना सवाल बताइए। अरुज कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? जी बिल्कुल, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी अरूज। डॉक्टर साहब, सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे पूछना है कि मुझे ना हर मंथ आफ्टर पीरियड ना मेरे स्किन पे एक तिल प्रोमिनेंट हो जाता है हर मंथ, तो इसके लिए मैं क्या करूं, और अगर मैं फेस पे फेशियल कराऊं या कुछ भी ऐसा यूज करूं ब्यूटिशियन के से, तो मेरे ना चेक्स पे हेयर लाइट थिक नहीं है, लाइट प्रोमिनेंट हो रहे हैं, तो अब मैंने फेशियल तो कराना बंद कर दिया, और आप इसके लिए बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ, जो ये हर मंथ सिर्फ हाथ पांव का ही नहीं, सिर्फ मुंह पे ना तिल आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह है गजल के तिल जो है वो भी उसकी डिफरेंट वजूहात हैं, वो हम किसी वक्त डिस्कस करेंगे, लेकिन जो जिस तरह आप कहती हैं कि वो साइकिल के बाद आपको आते हैं, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हार्मोन रिलेटेड होते हैं, जो फ्रेकलिंग है और जो मोल्स हैं वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस, या आप ये कह सकते हैं कि जब बॉडी में हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं साइकिल में, जिस तरह चेंज ऑफ हार्मोन्स होती हैं आपकी बॉडी में, तो ये प्रोमिनेंट हो सकते हैं।
तो इसका ये तरीका है कि फेशियल जिसका आंसर नहीं है, आपको अच्छे सन ब्लॉक्स यूज़ करने चाहिए एट ऑल टाइम्स, राइट, क्योंकि ये एक दफ़ा तिल बनने शुरू हो जाएं, एक लेयर है स्किन की में जहाँ पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, और वो किसी भी वजह से उनकी जब एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो हमें ये फ्रेकल्स और ये छाइयाँ और ये तिल नज़र आने शुरू हो जाते हैं, राइट राइट, तो उसको हमने कट डाउन करना है, तो वो सन एक्सपोजर इसको इनकी मल्टीप्लिकेशन ज्यादा करती है सेल्स की, राइट राइट, तो उसको करने के लिए सन ब्लॉक मैं आपको रिकमेंड करूंगी। और कितना है एसपीएफ जो? देखिए एसपीएफ कहीं भी 30 से लेकर 60 तक ये यूज करें, राइट, जो भी इनको है, बड़े अच्छे आजकल मार्केट में सन ब्लॉक्स आए हुए हैं और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है, आप किसी भी अपनी लोकल फार्मेसी जो है वहां से आप ले सकती हैं। और सन ब्लॉक आपके केस में खास तौर पे क्योंकि आप में टेंडेंसी है इसकी फ्रेकल्स की, तो आप प्लीज़ एट ऑल टाइम सुबह से लेकर रात तक सन ब्लॉक आपके चेहरे बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहबा, क्योंकि टाइम कम है, बात जी, सवाल बहुत सारे थे और कॉलर्स भी बहुत सारे आए, एंड आई एम श्योर कि जिनकी बात नहीं हो सकी उनके पास नंबर आ गया होगा डॉक्टर साहबा का, आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर साहबा, जाने से पहले हम चाहेंगे वो जो आप एक सरप्राइज गिफ्ट अपने साथ लेकर आई थी, जो आप अनाउंस करना चाहती हैं, आई वॉन्ट दैट यू अनाउंस दैट योर सेल्फ। रूज मैं चाह रही थी कि आपकी जो सहेलियां हैं मैं उनके साथ ये शेयर करना चाहती हूं, क्योंकि आप भी पार्ट है ना इस शो का, बिल्कुल, तो आप भी सहेली हुई हमारी जी, और बिल्कुल उनकी आप सही कह रही हैं। मैं ये एक गिफ्ट देना चाहूंगी कि आप ही चूज कर कीजिएगा, right. जो भी आपका क्राइटेरिया होता है, एक ऐसी खातून या बच्ची जो कि नॉन अफोर्डिंग हो, right. और जिसका बड़ा जेन्युइन कॉज रीजन हो, प्रॉब्लम हो, उसको मैं फ्री लेजर हेयर रिमूवल करना चाहूंगी, उनके मैं सेशंस कुछ देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू फॉर हैविंग, थैंक यू, थैंक यू जी। तो आप हमें लेटर्स लिखना शुरू कर दें और ईमेल करना शुरू कर दें अगर आपका इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, फिर हम अपनी यहाँ पे कुरानदाजी करेंगे, क्योंकि एक चूज करना है तो देखते हैं कि वो लकी विनर कौन होगा, और फिर आप जा सकती हैं डॉक्टर फरा के पास और जो आपका मसला इंशाल्लाह वो मसला हल हो जाएगा। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद आज एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे ए प्लस घराना में आई है जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है, और जब आप उन्हें देखेंगे ना तो आप लोग भी बहुत खुश होंगे। इस ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात उनसे करवाएंगे।